नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप पीछे बहुत सारी भीड़ देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पोस्टर SSCGD कांस्टेबल 2018 का ये पूरा मामला है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मौजूद है। इनकी परेशानी क्या है, आज यही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज इन स्टूडेंट से हम बात करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं और उनकी तकलीफ कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पिता मित्रा है, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मेरा नाम रामकृष्ण वर्मन है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। सरकार बात नहीं सुन रही है, आप लगातार ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारा मांग ये है कि मैडम, हम 2018 SSCGD में फॉर्म फिलअप किया था, उसमें रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, जो डिफेंस में जाने के लिए जो प्रक्रिया होता है, सारे के सारे प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, फिर भी आज 4 साल चल रहे हैं, हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे और मेरिट से हमको बाहर कर दिया जा रहा है। जो कि किसी भी फौज में जाने के लिए जितना भी प्रक्रिया होता है हमने सब में कंप्लीट कर चुके, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी हुंकार भर रही है, ममता दीदी हुंकार भर रही है, तो भर्ती क्यों नहीं ले रही है? वो बीजेपी सरकार ने बोली 75 लाख जॉब देगी, अभी हम टोटली मेडिकल फीट है 2000 वेस्ट बंगाल से, वो 2000 ही नहीं दे पा रही है, तो 75 लाख क्या देगी? जो सरकार हमें ज्वाइनिंग करवाएगी उसी से हम वोट देंगे। देखिए ये तो चुनावों की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि आप कहते हैं कि आपने भर्तियाँ निकाली है, जब आपको भर्ती लेनी नहीं होती तो आप भर्ती निकालते क्यों, इस पर आप क्या कहेंगे? हम इस पर यही बोलेंगे, सरकार बोलती है कि रोजगार दूंगी युवाओं को, बेटी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज हम सड़क पे खड़ी हूँ, बेटी सड़क पे हूँ, और जो रोजगार की बात है, अगर रोजगार देती तो हम ऐसे सड़क पे नहीं होती। आज 15-20 दिन से हमें रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है पास, सबका फ़ोन चुरेगे, जूता चुरेगे, सब नंगे पैर ऐसे रोड पे हम लोग भटक रहे इधर उधर, सरकार देख के भी अनदेखा कर रही है, उन्होंने दिखाई नहीं दे रही है हमारी परेशानी। बस हम यही चाहते हैं कि हम जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं सबको ज्वाइनिंग दे दिए जाए हम लोगों को। मंत्रालय और प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन जो है, रक्षा मंत्रालय तक भी ये जो ज्ञापन है भेजे गए हैं, लेकिन सुनवाई किसी तरफ से नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप ये कहते हैं कि 2021 में तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, उन राज्यों के ये जो बच्चे हैं आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह से आए, ना ही खाने पीने का सामान है, ना ही कोई व्यवस्था है रहने की। आप सुन लो सरकार, हम तो यही गुहार लगा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यही गुहार लगा रहे हैं। 2018 की आप बात कह रहे हैं कि आपने आवेदन दिया था कांस्टेबल के लिए, लेकिन आपकी भर्ती नहीं हो पाई है, सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आई हैं आप? ओडिशा से आई हूँ मैं। मैं 2018 में भर्ती फॉर्म भरे थे और 19 में हम लोगों का रिटर्न एग्जाम हुआ, फिर 2021 को हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट छोड़ा गया। इतना सब कुछ, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न, सब कुछ मेरिट लिस्ट में नाम था? नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं आज। तो सब कुछ क्लियर है लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है? नाम नहीं है। मतलब जब आपने बात की होगी, जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो आपने अधिकारियों से पूछा होगा, तो उनकी तरफ से क्या कुछ क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? कुछ नहीं आ रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है कोई। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे थे वो मौजूद थे, और किस तरह से यहाँ पर पुलिस वालों ने हटाया, यहाँ पर लाठीचार्ज करने की तैयारी हो सकती है, और किस तरह से मारा जा रहा है, इनकी आवाज लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या परेशान है मैडम, देखो हम पे कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, और उस दिन भी लाठीचार्ज किया गया हमारे हाथ में मैडम, सर ये क्यों अटैक कर रहे हैं? देखिए कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। सर बताइए ना सर, आप अपना काम कीजिए ना, हमें काम करने दीजिए। देखिए किस तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपना काम करने दीजिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्हें यहाँ खदेड़ा जा रहा है, किस तरह से गाड़ी में भरा जा रहा है आप देख सकते हैं, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भरा जा रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दी, हम जा रहे हैं जेल में, हमारी जिंदगी खत्म है, SSC ने भी पहले खत्म।
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने ज्यादा परेशान हैं आप देख सकते हैं। केस डालेंगे हम सब पर जे केस। आप क्यों रो रही हैं? क्यों नहीं रोएंगे? कैसे हमारे साथ धक्का हो रहा है? खड़े कर दिए हम लोगों ने, आप देख लीजिए ना कैसे सरकार को खड़े कर दिए हम लोगों ने। इससे पहले भी हम पर लाठीचार्ज हुआ 22 बार पुलिस को हुआ था 22 बार पुलिस को। ये दो लड़कों की तो कलाई टूट गई और एक लात पर 60 बजी थी लात पर। आप बता रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी ये देखिए किस तरह से पकड़ कर लिया जा रहा है युवक को, आप देख सकते हैं। और कुछ भी पुलिसकर्मी कहने के लिए तैयार नहीं है, सब बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स को पकड़ कर ले जा रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स पीछे मौजूद हैं। बेटियां जो है वो रोती हुई नजर आ रही है, भर कर इसको लेकर जा रहे हैं स्टूडेंट्स। भाई मेरे आ जाओ, भाई मेरे आ जाओ यार, भाई मेरे आ जाओ। तो देखा आपने किस तरह से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कई लोगों को पकड़ कर लेकर गई है, उनमें महिलाएं भी हैं और कुछ बच्चियां भी हैं। साथ ही साथ एक लड़के को अलग से उठा कर लेके गई हैं। ये उन्हीं के पास सभी स्टूडेंट्स जो हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर पकड़ना है तो सबको पकड़ो, एक को पकड़ कर आप उन्हें बंद कर देते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं टूटेगा, उनका जो मनोबल है वो टूटने वाला नहीं है, वो अपनी लड़ाई यूं ही लड़ते रहेंगे।